बड़ी खबर से करेंगे बुलेटिन की शुरुआत। बहराइच में हिंसा पर सीएम योगी सख्त। आपको बता दें सीएम योगी ने दंगाइयों से सख्ती से निपटने के आदेश दिए हैं। पुलिस जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी करे, सीएम योगी की तरफ से ये निर्देश दिए गए हैं। अफवाह फैलाने वालों पर भी कड़ी कार्रवाई हो, सीएम योगी की तरफ से ये निर्देश साफ साफ दे दिए गए हैं कि जो भी इस घटना में लिप्त है उस पर कड़ी कार्रवाई तो हो ही, लेकिन इसके अलावा जो लोग अफवाहें फैला रहे हैं ऐसे लोगों पर भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो किसी भी कीमत पर। जो आरोपी हैं उन्हें छोड़ा ना जाए, पुलिस प्रशासन को सख्त निर्देश। बहराइच में जो हिंसा हुई और उसके बाद ये सख्त निर्देश दिए गए हैं। एक युवक की मौत के बाद जमकर आगजनी का मामला सामने आया। उपद्रवियों ने यहां पर जमकर हंगामा किया, उपद्रव यहां पर की कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। दरअसल मूर्ति विसर्जन का ये पूरा काम यहां पर चल रहा था, लेकिन तभी युवक की मौत होती है। सड़क पर तांडव देखने को मिलता है, पुलिस लाठीचार्ज करती है। हालांकि इसमें कार्रवाई हो चुकी है, चौकी इंचार्ज अब तक सस्पेंड इसमें हो चुका है। घटना के बाद गुस्साई भीड़ ने तोड़फोड़ की, आगजनी वहां पर शुरू कर दी। हालात पर काबू पाने के लिए पुलिस ने बल का इस्तेमाल भी करना पड़ा, लाठीचार्ज पुलिस को वहां पर करना पड़ा। तो ये बड़ी जानकारी है बहराइच से जुड़ी हुई, जहां पर उपद्रवियों ने माहौल को खराब करने की कोशिश की। हालांकि सीएम योगी की नजर इस घटना पर लगातार बनी हुई है। सीएम योगी ने सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं और साथ ही कहा है कि जो लोग इसमें लिप्त हैं उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। आपको बता दें कि ये आरोप है कि डीजे बजाने को लेकर कहासुनी यहां पर हुई, देखते ही देखते ये कहासुनी हिंसक झड़प में बदल गई। और इसी बीच ताहिर हुसैन हमारे साथ जुड़ गए हैं। ताहिर, जिस तरीके से सीएम योगी की नजर इस पूरी घटना पर लगातार बनी हुई है, साफ तौर पर सीएम योगी ने सख्त निर्देश दिए हैं, लेकिन अफवाह फैलाने वालों पर भी कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं, तो क्या एहतियात के तौर पर इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है? डीजी को लेकर दो समुदाय फिर गोलीबारी हुई, जिसे की मौत जिले के लिए जो लोग। आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है क्योंकि ये बड़ी जानकारी है। एहतियात के तौर पर अफवाह फैलाने वालों पर कड़ी कार्रवाई हो, ये भी कह दिया गया है सीएम योगी की तरफ से।